आज ये मेरे पास न्यू बलेनो आई है, इसमें आज एक समस्या आ रही है। इसमें जो हाइब्रिड है वो काम नहीं कर रहा है इसका, और हाइब्रिड कुछ इस प्रकार काम नहीं कर रहा है। इसका ए ऑफ का बटन आप देख रहे होंगे, ये स्टार्ट कंडीशन पे ब्लिंक कर रही है, और ये बटन से भी ये ऑफ नहीं हो रही है, बटन दबाने पे भी ये ऑफ नहीं हो रही है। और इसको आज हम देखेंगे कि इसको ये प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। ये हाइब्रिड हमारी अभी काम बिल्कुल नहीं कर रही है और ए ऑफ का सिंबल आ रहा है। ये नई बलेनो है, नई बलेनो में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको आज हम देखते हैं कि इसमें आज हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं और हाइब्रिड कैसे इसको एक्टिवेट करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो में। इसमें सबसे पहले हम जो प्रोसेस अपनाते हैं चेक करने के लिए SHVS, इसमें सबसे पहले हम बैटरी चेक करेंगे, बैटरी की कैपेसिटी क्या है, बैटरी कहीं डाउन तो नहीं है। तो बैटरी चेक करने के लिए हमारे पास ये टूल होते हैं, इस टूल से हम बैटरी की हेल्थ चेक कर सकते हैं। अगर ये बैटरी वीक होगा तो भी हमारा SHVS की लाइट ब्लिंक करेगी। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं बैटरी, तो बैटरी चेक करते हैं इसको, बैटरी की रिपोर्ट क्या है। बैटरी की करेक्ट CCA वैल्यू भी डालनी होती है, जो कि ये लिखा हुआ है CCA वैल्यू एम्पियर, कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर जो होता है वो सही डालनी होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने 500 है, इसको हमें 350 कर देनी है। अब हमें इंटर कर देना है। तो बैटरी कंडीशन हमारी काफ़ी गुड है, तो बैटरी की समस्या इसमें नहीं है। तो अब हम दूसरे स्टेप पे चलेंगे, अब हम इसका फ्यूज़ वगैरह देखेंगे कि फ्यूज़ कहीं ब्लो तो नहीं है, उसके बाद चेक करेंगे कोई डोर स्विच या हुड स्विच कहीं प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मल्टीमीटर की सहायता से इसका फ्यूज़ चेक करते हैं। जैसे कि ये मल्टीमीटर हमने जो है क्वांटिटी पे सेट कर लिया, जो कि हमें फ्यूज़ वगैरह कभी भी चेक करनी हो क्वांटिटी पे ही चेक करना है ना। तो अब हम बताएंगे इसमें जो ये वाली जो हाइब्रिड की एक जो फ्यूज़ होती है वो 30 एम्पियर की होती है, डीसी की, डीसी जो इसमें लिखा हुआ है ये 30 एम्पियर, ये हमारा होता है बेसिकली SHVS का। तो हमें ये भी चेक कर लेना है, कभी कभी कोई शॉर्ट सर्किट अगर कुछ होता है या पावर का कोई प्रॉब्लम होती है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। तो मल्टीमीटर चेक करने के लिए सबसे पहले हम जो है हम इसका जो है ये चेक करेंगे, यहाँ मल्टीमीटर क्वांटिटी नहीं बता रहा है, इसका मतलब कि फ्यूज़ में थोड़ी कहीं प्रॉब्लम है। अब हम इसका फ्यूज़ पुलर से इसका फ्यूज़ भी चेक कर लेंगे। जैसे कि फ्यूज़ हम जो है ये निकाल लिए, और फ्यूज़ का जो हमारा ये पार्ट होता है अंदर जो होता है ये हल्का यहाँ से डैमेज है, ब्लो हो गया है यहाँ से, और ये जला हुआ भी लग रहा है साइड से आपको। तो 30 एम्पियर फ्यूज़ होता है, यहाँ से ब्लो हो गया ये, जो इसकी जो लेग होती है लेग साइड से अंदर साइड से ब्लो हो गई है। तो इसको हम रिप्लेस करके देखते हैं प्रॉब्लम हमारे सॉर्ट आउट होती है कि या नहीं। हमारे पास ये स्पेयर में एक इसका फ्यूज़ है, इसी का मैं यूज़ करता हूँ, ये 30 एम्पियर का फ्यूज़ है। इसको मैं इस पॉइंट पर लगाऊंगा, DC के पॉइंट पे, यहाँ से ये लोकेशन हमें सर्च कर लेना है। जैसे नीचे से हमें जो है 1 2 3 4 नीचे से फोर्थ रो में है 1 2 3 4, इसको बहुत ही आराम से लगाना है। फिट हो गया है, ये 30 एम्पियर ये फिट हो गया है। अब इसमें हम देखते हैं क्वांटिटी आ रही है या नहीं आ रही है, इससे हम ये कंफर्म हो जाएगा फ्यूज में दिक्कत है कहाँ की दिक्कत है। देखिए बीप बज रही है, ये क्वांटिटी इसमें आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें फ्यूज में ही प्रॉब्लम थी।
जैसे कि गाड़ी हमने अभी ये स्टार्ट कर लिया है, अब ये सिंबल आ नहीं रहा है मेरा, ये बटन सही है ऑपरेट हो जा रहा है? इस बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ, हाइब्रिड बटन को इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो अब ये बटन सही ऑपरेट हो रहा है। तो जब ये बंद होता है, तो जब ये शो नहीं करता है लाइट और गाड़ी स्टार्ट है, तो इसका मतलब कि ये हमारा हाइब्रिड एक्टिव है। तो पहले क्या ब्लिंक कर रही थी, लेकिन अब ब्लिंक नहीं कर रही है, प्रॉब्लम हमारी फ्यूज से ही थी लगभग। और अब हम इसे टेस्ट करेंगे, थोड़ा इसको चलाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जब तक बैटरी चार्ज नहीं होती तब तक ये हाइब्रिड काम नहीं करता है। तो हम इसको चला के देखते हैं, अभी थोड़ा गर्म करते हैं इसको और थोड़ा चार्जिंग जब बैटरी हो जाएगी तभी ये काम करेगी। जैसा कि हमने रोड टेस्ट लिया है, बट अभी भी ये काम नहीं कर रहा है। तो उसमें एक रोड टेस्ट से पहले एक प्रोसेस और अपनाना होगा कि हमें इसका फॉल्ट कोड देखना होगा, ये OBD की मदद से। ये स्कैनर टूल जो होता है, इससे हमें OBD भी देखनी होगी। अगर स्कैनर ये सिस्टम में कोई भी एरर कोड आएगा तो उसकी वजह से भी हमारा हाइब्रिड सिस्टम काम नहीं करेगा। ये आप जैसे देख रहे हैं, इसमें दो कोड हैं, इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा तभी ये जो है हमारा काम करेगा। तो इसको हम क्लियर करते हैं, ये हमारे सारे कोड क्लियर हो गए हैं, अब सारे नॉर्मल हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा हाइब्रिड काम कर रहा है कि नहीं। आफ्टर कोड क्लियरिंग हमने जो है गाड़ी को रन कराया है, काफ़ी 22 किलोमीटर समथिंग हमने चला ली है गाड़ी को, और DTC क्लियर करने के बाद ही ये हमारा हाइब्रिड काम करेगा। और 22 किलोमीटर कम से कम 20 से 22 किलोमीटर आपको 30 किलोमीटर तक आपको ये रन कराना है गाड़ी कंटिन्यू, तभी ये हमारा एक्टिव होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें AC का भी आपको फंक्शन देखना पड़ेगा, ये ऑटो पे नहीं होनी चाहिए। ऑटो पे होगी तो ये काम नहीं करेगी, आपको AC जो है मैनुअल मोड पे होनी चाहिए, ये मैनुअल मोड पे होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने अपने ये टेस्ट ड्राइव पूरा कर लिया है, और आपको दिखा रहा हूँ ये अब हाइब्रिड काम करने लगा है पूरा। प्रॉपरली वे में हाइब्रिड हमारा जो है एक्टिव हो चुका है। ये देखिए मेरा ये हाइब्रिड अब एक्टिव हो गया है, और ये हाइब्रिड पे ही अभी रुका हुआ है। ये देख रहे हैं ये सिंबल, ग्रीन सिंबल जो है A का, ये हाइब्रिड एक्टिव हो गया है। और जैसे ही मैं क्लच दबाऊंगा, ये मैंने क्लच दबाया और ये ऑन हो गया। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है हाइब्रिड का, और ये प्रॉब्लम इसी प्रॉब्लम हाइब्रिड प्रॉब्लम के लिए मेरे पास ये गाड़ी आई थी, और ये जो कि सॉर्ट आउट हो चुकी है। इसमें मोटा मोटा मैं बता दूं कि जब ये आता है तो सबसे पहले इसमें BU का फ्यूज़ होता है, DC-DC का भी फ्यूज़ होता है, इन दोनों का फ्यूज़ भी सबसे पहले देखना है कि कहीं इसमें कोई शॉर्ट तो नहीं हो गई है। उसके बाद बैटरी देखनी है हमें, बैटरी के बाद हमें बैटरी का फ्यूज़ भी देखना है, जो बैटरी सेंसर होते हैं नेगेटिव पॉइंट पर वो लगा होता है, वो सेंसर देखना है हमें सही है या नहीं है, स्विच देखना है सही है या नहीं है, और हमारा बोनट का हुड देखना है, इसमें टेल गेट देखनी है, चारों डोर देखने क्लोज है कि नहीं है, ये प्रोसेस होता है चेक करने के लिए। अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस अगर स्किप हो गया तो प्रॉब्लम करेगी, और इसमें क्लच पे दो सेंसर्स होते हैं वो भी अगर प्रॉब्लम करेंगे तो भी ये हमारा हाइब्रिड काम नहीं करेगा। बट स्टार्टिंग जो हमारा प्रोसेस होता है, सबसे पहले बैटरी चेक करेंगे जैसा कि मैंने बताया, उसके बाद फ्यूज़ चेक करेंगे, देन चारों डोर चेक करेंगे, हुड चेक करेंगे और टेल गेट चेक करेंगे, तभी हम
अदर्स पे जाएंगे, सेंसर्स वगैरह पे। ये बेसिक चीज़ होती है, हालांकि बेसिक चीज़ें ही हमें मिलती है, ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। तो कैसा लगा ये वीडियो आज का, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अभी न्यू बलेनो है ये, 2022 मॉडल है, इसी में ये प्रॉब्लम आई थी, और ये पेट्रोल है। और इसमें अगर कोई भी हाइब्रिड से रिलेटेड कोई और भी प्रॉब्लम्स आए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करिए, ताकि मैं एक और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।